अभी यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, आज 18 जुलाई से भारत का श्रीलंकाई दौरा शुरू हो चुका है, जिसके लिए फैंस और खिलाड़ी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले ओडीआई में भारत के जबरदस्त स्पिन गेंदबाज ने एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर भारतीय फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस कारनामे के बारे में। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से कौन बेहतर टीम है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनुभवी खिलाड़ी की गैर मौजूदगी में बीसीसीआई ने युवाओं से सजी एक टीम को तैयार करके श्रीलंका के दौरे के लिए रवाना किया था। बता दें, भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक शानदार युवा खिलाड़ी शामिल है। दोस्तों बता दें, युवा खिलाड़ियों के साथ कई अनुभवी खिलाड़ी जैसे कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार इस भारतीय टीम में शामिल हैं। दोस्तों बता दें, जैसे कई युवा खिलाड़ी अपने शानदार प्रदर्शन से टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे, वहीं कुछ ऐसे अनुभवी खिलाड़ी भी हैं जो इस सीरीज में ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रह सके। जिनमें सबसे पहले नाम आता है कुलदीप यादव का, जो कई समय से भारतीय टीम में अपने खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर चल रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस दौरे पर शानदार प्रदर्शन करके टीम में अपनी जगह बनाने की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। दोस्तों बता दें, कुलदीप यादव ने 18 जुलाई को खेले गए श्रीलंका के विरुद्ध पहले ओडीआई मैच में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर वो और भारतीय क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए हैं। दोस्तों बता दें, पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। श्रीलंका टीम के सलामी बल्लेबाजों ने टीम को एक मजबूत शुरुआत की थी, लेकिन भारत के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी गेंदबाज में बल्लेबाजों को फंसाकर श्रीलंकाई टीम को पहला झटका दिया, जिसके बाद श्रीलंकाई टीम काफी ज्यादा दबाव में आ गई थी और इसी दबाव का फायदा उठाकर भारत के जबरदस्त स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने श्रीलंकाई टीम के लगातार 2 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर ही तोड़ दी थी। उन्होंने ओडीआई क्रिकेट मैच बहुत लंबे समय के बाद शानदार वापसी करके भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया। दोस्तों बता दें, उन्होंने लगातार ये 2 विकेट लेकर अपने क्रिकेट करियर में अब तक 107 विकेट लिए और इसी के साथ वो भारत के एक ऐसे तीसरे गेंदबाज बन गए जिन्होंने 2015 के बाद डेब्यू करा और 105 विकेट से अधिक हासिल कर लिए। तो बता दें, ऐसा करने वाले अभी तक भारत के 2 गेंदबाज कर पाए हैं, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। और अब इनके बाद इस सूची में कुलदीप यादव ने भी इस सूची में अपना नाम शामिल कर लिया है। उनके शानदार प्रदर्शन को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो भारतीय टीम में दोबारा से अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लगातार शानदार प्रदर्शन करके भारतीय टीम को जीत हासिल कराने में अपना सहयोग देंगे। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या कुलदीप यादव जल्द ही 150 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड प्राप्त कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।